करते हैं कि आपका ये सुंदर मर्द हुआ कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह मैं अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम किस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है हिंदू वेव राज सिंह। तो रामनवमी पे काफी जो है वो क्राउड निकला हुआ है भाई, वीडियो जो है वो काफी दिनों से भाई ने भेजी थी लेकिन अफसोस पे लेट है, लेकिन एडजस्ट कर लीजिएगा। वीडियो देखते हैं और अपना बयान कर देंगे। कॉर्नर करते हैं, 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। ये क्या ट्रक है, पीछे तो देखो क्या बात है भाई, बाजार भी बहुत खुला है। ये तो जैसे कि लंबा ट्राला ही है। समंदर है, समंदर क्या बात है जी,
बात है, मजा आ गया, इतना ज्यादा क्राउड, कितना रश था भाई, बहुत ही ज्यादा। मैं कहूं ठीक ज्यादा, वो एक बात करते ना, बंदे से बंदा चढ़िया, तो भाई साहब वो बात हो गई है, उससे ज्यादा मेरे ख्याल में भाई साहब इतना ज्यादा रश था, इतने रश में यार लोगों का। अगर गर्मी है तो भाई साहब कमाल ही है भाई, इतने रश में गर्मी, इसी वजह से वो रात को रह रहे। अभी तो अभी तो देख लो थोड़ी सी गर्मी बढ़ी है ना, फुल गर्मी है तो भाई साहब दम घुट जाए, जितना रश था। बिल्कुल जी बिल्कुल। और क्या कर, और इधर जो है ना, जो है नौजवान वही टिक पाते, इतना ज्यादा रश, उधर से धक्का मुश्ती इधर हो रहा है, बूढ़ों का इधर काम ही नहीं बनता, बूढ़े नीचे दबके मरे गए, इतना क्राउड है। मैं कहता हूं बंदा नीचे आ गया तो उसकी तो भाई मौत, सही मौत है, उठना मुश्किल हो जाए, मुश्किल भाई साहब। यहाँ पे चल वो पैर ही पता नहीं, एक एक मैं कहता एक एक पैर करके इस तरह चलते हैं, एक दूसरे के सहारे चल रहे हैं भाई। और मेरे ख्याल से शायद हों भी ये नंगे पांव, मे भी जूतों के साथ, तो चप्पल हो तो चल ही नहीं सकता। हाँ, तो नंगे पैर हो तो फिर वो एक दूसरे के पैर फेंक, वो मतलब तो लाजमी होंगे, ये कोई ऐसा तो नहीं कि नंगे पैर ही जो यात्रा हो रही है। और यात्रा कौन सी थोड़ी एरिया में, काफी लंबी चौड़ी रैली निकालते हैं भाई साहब। और एक एक तो भाई साहब जो मेन चौक था वहां पर देखा कि वो एक जो काफी जो लोग है वो एक जगह पे खड़े हुए थे, और जो पीछे से आ रहे लगातार जो लोग है ना पीछे से मूव कर रहे थे, और वो ट्रॉले के थोड़ा पीछे आ रहे थे। अच्छा, ज्यादा एरिया जो था ना वो मतलब जिस तरह डांस नहीं कर रहे थे, हाँ 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 ऐसे काफी जो है झूम रहे थे, और साथ में गाना भी गा रहे थे, डीजे भी चल रहा था साथ में, उसकी पूरी समझ नहीं आई, लेकिन जय श्री राम के नारे जो है वो लग रहे थे, रघुपति राजा राम इस तरह करके ना थोड़ी थोड़ी समझ आ रही थी, बाकी इतना ज्यादा समझ नहीं आया। और भाई एक चीज मैं ना देख रहा था कि जो साथ में मेरे घर में वो चौक में मस्जिद थी मेरे ख्याल में, उसके जो फायर मीनार थे ना उसको ना उन्होंने ढक रखा था, और मैं देख रहा था कि भाई रोड के बीचों बीच वो मस्जिद है, साइडों पर रास्ता है, साइडों पर रास्ता है, कमाल ही के खड़ी हुई उधर रोड के बीच में। भाई साहब अपने आप में वो अजूबे ही है, हमारे यहाँ से देखा जाए तो पाकिस्तानी के व्यू से देखा, पाकिस्तानी कहते हैं मस्जिद तोड़ देते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है। हाँ, वैसे 3 लाख बोल रहे थे ना इंडिया के अंदर मस्जिद है। हाँ, इंडोनेशिया के बाद अमेरिका में इधर ही है मस्जिद। तो अच्छा लगा था कि भाई ये रश जो था वो काफी ज्यादा था, और ये मेरे ख्याल में रामनवमी पे निकले थे। और मैं तो एक और ही वाकया सुन रहा था कि कहीं पर जो है मुसलमानों ने पत्थर जो है वो बाजी फिर की है, और तो कुछ इस वीडियो में चलो नहीं दिखाएगा, लेकिन जो है एक आधी रैली में उन्होंने कर दिया है थोड़ी, वो हर रैली के अंदर मार रहे इस तरह। हाँ, तो ये जिस तरह का क्राउड है इसमें नारेबाजी तो फिर होगी, जब इतने लोग जमा, इतने लोग जब होते हैं यार, वो अपने भगवान को मतलब काल पुकारेंगे। सही बात है। और अच्छा मजहबी त्यौहार उसके अंदर मजाक के रिलेटेड कोई नारेबाजी ना हो तो ये तो हो नहीं सकता। सही बात है। मुसलमानों को चिढ़ना भी नहीं चाहिए भाई साहब, अगर वो आपके जो है त्यौहार को अच्छे से मनाने मनाते हैं तो उनको भी मनाने की इजाजत है जी। यार ये जो है ना बात, ये काम जो थे मतलब मिलजुल के होते हैं कि अब देख लो। अच्छा एक और बात है, मेरा जो मानना है हो सकता है इस क्राउड के अंदर काफी मुसलमान भी हो, शायद हो सकता है, एंजॉय कर रहे हैं भाई। अब देख लो, मैं कल देख रहा था एक मेरे घर में सिख था, वो मुसलमानों के रोजे की इफ्तारी करवा रहा है। एक मैंने देखी वीडियो जिसमें एक हिंदू लड़का था, वो जी मुसलमानों के ना इफ्तार पार्टी करवा रहा। तो जब ये चीजें देखते हैं तो भाई साहब दिल खुश हो जाता है। यूके के वज़ीर-ए-आज़म ने भाई साहब काफी मुसलमानों के जो एम्बेसडर थे ना उधर, मतलब 36 या 37 कंट्री के मुसलमान कंट्री के, उनके इफ्तार पार्टी करवाई है। क्या बात, बढ़िया जी। तो अच्छा लगा देख के भाई साहब, और बहुत शुक्रिया ऐसी वीडियो भेजने का, लेकिन भाई साहब सॉरी क्योंकि आपने ये वीडियो ना बहुत लेट कर दी। रश कमाल का भाई साहब, इतना ज्यादा पहले रश नहीं, और वो बड़ा सा ट्राला जो था भाई वो आस्ता से चल रहा था, शुक्र है उसके आगे कोई नहीं है, लेकिन इस स्पीड से पीछे जरूरत से ज्यादा ही लंबा था, जरूरत से ज्यादा लंबा भी था, और लोग भी कितने ज्यादा थे। अच्छा जी, एक मंजिल तय कर लेते हैं, उस मंजिल पर सभी लोगों ने इकट्ठे होकर एक पॉइंट से भाई ये जरूर बताएगा कि ये जो यात्रा है
एक पॉइंट से मतलब एक किसी मंदिर से दूसरे मंदिर को लेकर जाते हैं या शहर के चक्कर लगाने थे या इसमें क्या कुछ होता है, क्योंकि इतने ज्यादा लोग जो है वो साफ सारे गली मोहल्ले के तो सिर्फ होंगे नहीं, जितने ज्यादा लोग थे मैं कहता हूँ पूरा शहर ही इधर जो आ गया था। और गांव के लोग ज्यादा एंजॉय करने के लिए शहरों की तरफ रुख करते हैं, बिल्कुल ज्यादा रश होता है उसमें, ज्यादा हाँ ज्यादातर वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर ज्यादा रश होता है। कुछ कुछ एरिया जो है वो खास तौर पे फेमस होते हैं इस तरह के त्योहार मनाने में, तो लोग जो है उधर का रुझान कर लेते हैं। तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं मेरे साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।